तन की तंदुरुस्ती शत प्रतिशत नहीं 1000% मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मन हाथी है, तन तो मन का हाथी का धूम है। अरे धूम का क्या इतिहास है? अरे हाथी को देखो ना, द बॉडी इज जस्ट ए शैडो ऑफ द माइंड। एज यू ट्रीट द माइंड, द शैडो गेट्स इट्स ओन एनर्जी। यू डोंट गिव एन इंजेक्शन टू द शैडो, द बॉडी इज ओनली ए शैडो, माय डियर फ्रेंड्स। एंड व्हेन द डॉक्टर्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, when they understand the human structure is not just bones and marrow, it is physical body, etheric body, astral body, causal body, spiritual, cosmic, nirvana. When you understand the seven body structure, then you will be a real doctor. Then there will be no medicines, there will be no surgery, the mind will be treated and the body will be happy. So after 2012, I am foreseeing that the whole medical community will teach meditation. Sans को अपनावे ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाएंगे तो ध्यानी बन जाएंगे। ध्यान को अपनावे योगी बन जावे, ध्यान को अपनाएंगे तो योगी बनेंगे। जब तक सांस को नहीं अपनाएंगे आप ध्यानी नहीं बनेंगे, और जब तक ध्यान को नहीं अपनाएंगे आप योगी कदापि नहीं बनेंगे। श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो ध्यानी आप कैसे बनेंगे? श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले रहे ध्यानी बन जावे, बन जावे, बन जावे। सांस को अपनावे जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले वे ध्यानी बन जावे। हम कई जन्मों के, जैसे स्वामी जी ने अब तक कहे हैं भगवद गीता में, कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए, मैं तो सब कुछ जानता हूँ मेरे बारे में और आपके बारे में, आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको योगी बनना ही। बहुत ही वेदितानि जन्मान तवचार्थम तान्यहं नतों वेत्तपन्तः, मैं तो सब कुछ जानता हूँ आप तो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आप योगी है ही। अरे बाबा, बुढ़ापे में क्या हालत निकल गया जो जवानी में नहीं थी। स्टिच इन टाइम सेव नाइन, काल करे जो आज कर शुभ से शीघ्र आलस्य ममता निशम, तो अभी अपने आप को पकड़ लिया। मेडिटेशन इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, जो आने वाले रोग है आज हम उसे ना आने दे सकते हैं प्रिवेंशन, और जो है अभी उसे छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान सकल रोग निवारणी, सकल रोग हारणी, और सकल रोग भोग कारिणी, और सत्य ज्ञान प्रसादी।
सर दर्द से लेकर कैंसर तक सर पाए और रोग क्यों आते हैं बड़ा पूर्व जन्म प्रथम पापों यादि रूपेण बीजते दैट इज द थिंग अगर आपके पास पाप नहीं है पाप कर्मों के तो आप बीमार कभी भी नहीं हो सकते बिना बिन बादल बरसात कैसे बिन पाप कैसे रोग बिन बादल बरसात होती क्या तो बिन पाप रोग कैसे आएंगे अरे रोगों का कारण है पाप कर्म इस जन्म में और पिछले जन्मों में तो आपको चुकाना ही पड़ता है तो आज से पाप कर्म को अंत करो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट डेडलीस्ट पाप कर्म इज मांस खाना जानवर को काटना और खाना यू मस्ट बिकम ए वेजिटेरियन 95% ऑफ द पीपल ह्यूमैनिटी इज नॉन वेजिटेरियन दे आर ईटिंग एनिमल्स फाइव स्टार नॉन वेजिटेरियन होटल स्टूपिड पीपल क्राइम व्हाट राइट हैव यू गॉट टू किल एनिमल्स हु गिव यू दैट राइट तो आज से पाप कर्म को बंद करिए और किए हुए कर्मों को संतोष से भोगना और उसे हल करने के लिए ज्ञानात्म दर्थ कर्माणम आत्मज्ञान की जो अग्नि में कर्मों का भस्मी पट हो सकती है तो सांसों के आधार से ही ध्यान है मेरे प्यारे दोस्तों हम पांच सभी लोग कहिए ऐसा कहिए तन ऐसा यह उंगली तन जोर से कहिए जोर से मन मन बुद्धि बुद्धि आत्मा आत्मा सर्वात्मा सर्वात्मा हम पांच हैं तन 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 कहां से मिला आपको किस बाजार में आपका माता पिता और मन स्वामी जी कहां से मिला आपको नहीं भगवान से नहीं मिला हाँ शरीर से भी नहीं अपने आत्मा नहीं ना बाबा पंचमहाभूत से तन मिली मन मिली है समाज से समझे आप ये हिंदू समाज में जन्म ले तो हिंदू मन एक इस्लाम समाज में जन्म ले तो एक मुस्लिम मन एक कम्युनिस्ट समाज में जन्म ले तो बोले आप नास्तिक हो गए समाज से आप मन तद माता पिता से और जैसे पंचभूत हैं उधर से तन मिलती है और मन समाज से और बुद्धि कहां से मिलती प्रेरणा से बुद्धि क्या है तन इस जन्म का है मन भी इस जन्म का समाज का है परंतु बुद्धि पिछले जन्मों का जो कर्मन से जो निचोड़ है वो है आपका बुद्धि इस जन्म में कर्मानुसारणी बुद्धि ही माता पिता अनुसारणी शरीर समाज अनुसारणी मन और कर्मानुसारणी बुद्धि हमें राइट सर गांधी जी का बुद्धि एक तरह है गांधी जी के बच्चों का बुद्धि दूसरी तरह क्योंकि गांधी जी का पिछले जन्म अलग है एवं गांधी जी के बच्चों के पिछले जन्म अलग है गांधी जी के पिछले जन्म में ढेर सारे उन्होंने ध्यान किए हैं और उनके बच्चे कुछ भी ध्यान किए हम अलग अलग है समझ में तो और एक बार कहिए ऐसा कहिए तन तन मन मन बुद्धि बुद्धि आत्मा आत्मा सर्वात्मा तन कहां से आया मन समाज बुद्धि कर्म इस जन्म के और पिछले जन्म के पूरा कर्मों का और चौथा आ गया आत्मा आत्मा आपको किस बाजार में मिला ये परमानेंट चीज है हम है आत्मा हमें मिला नहीं आत्मा हमें मिलता है एक शरीर हमें मिलता है एक मन हमें मिलता है एक बुद्धि परंतु हम है आत्मा तालियां बजाइए आत्मा के लिए हम एक शरीर को ओढ़ लेते हैं एक मन को पा लेते हैं एक बुद्धि को इकट्ठा कर लेते हैं परंतु हम है आत्मा समझे और आत्मा कहां से आए सर्वात्मा से अगर सर्वात्मा एक महान वृक्ष है आत्मा उसका एक पत्ता है एक ही महान वृक्ष है और हम अलग अलग पत्ते हैं महान वृक्ष एक ये है विराट आत्मा अथवा सर्वात्मा अथवा बृहत आत्मा तो और एक बार कहिए तन तन मन मन बुद्धि बुद्धि आत्मा आत्मा सर्वात्मा सर्वात्मा और बृहद आत्मा विराट आत्मा एक ही है तो तन को पहचानने के लिए हम क्या करें मेरा तन को मैं पहचान में क्या करूं एक दर्पण के सामने खड़े हो जाऊं तो मैं मेरे आंखों को मैं देख सकता हूं नहीं तो नहीं संभव नहीं एक दीवार के सामने खड़ा तो मैं मुझे देख पाता
दर्पण, मुझे दर्पण चाहिए तन को देखने के लिए, और मन को देखने के लिए कौन सा दर्पण चाहिए आपको? आपका मन कैसा है? कहां आपका मन का जांच आपको ही होगा जब आप कुछ कर्म करते हैं। समझो संगीत सुनते हैं, हाँ मुझे संगीत से प्रेम नहीं, और संगीत बंद करो, तो भीमसेन जोशी को बंद करो, क्या करता है? तो इसका मतलब है इसके पर वो मन नहीं है। अरे भीमसेन जोशी और ज्यादा करो, तो इसके मन का हमेशा कला नहीं मालूम होता। समझे, एक स्वीट रखे, एक नमकीन रखे, थोड़े लोग नमकीन लेते स्वीट नहीं लेते, तो कर्म से हमें पहचान होती है हमारा मन कहाँ जा रहा है। आपका मन यहाँ ध्यान में आया है, आपको तालियां बजाएंगे। समझे, तन दर्पण से पहचान होगी, मन कर्मों से, और बुद्धि का पहचान कैसा होगा आपको? आपका बुद्धि कितना है? 10%, 99% कितना है आपका बुद्धि? आपके पास कितना है आपको कैसे मालूम होगा बताइए? अरे जब तक आपसे भी दूसरा, आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान आपको नहीं मिलता है, वो जब तक वो नहीं करते तेरे पास बुद्धि नहीं है या बुद्धि है, आपका बुद्धि का आपका पहचान नहीं होगा। आपको गुरु से ही बुद्धि का पहचान होगी। गुरु आपका दर्पण है बुद्धि का। समझ में? मैं मांस मांस कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर ने सलाह दी उसमें प्रोटीन होते हैं, ना जाने क्या क्या होते हैं। मैं गुरु जी बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, मांस नहीं करना, आपके पास बुद्धि ही नहीं, आपके पास भी नहीं है, आपके डॉक्टर के पास भी बुद्धि नहीं, ये गुरु के पास मालूम होता है कि आपकी बुद्धि कितना है। और तन के लिए दर्पण के सामने बैठे, मन के लिए कर्म करें तो पहचाने कैसे हैं, बुद्धि के लिए गुरु के पास गए, और आत्मा के लिए कैसे, आत्मा का अनुभव कैसा होगा, हम आत्मा के दृष्टा कैसे बनेंगे, भला बताइए। गुरु दिखा सकता है क्या आपका आत्मा? ध्यान से, तो ध्यान को जोरदार से तालियां बजाएंगे हम। केवल ध्यान से ही आत्मा का दृष्टा बनते हैं हम, अपना चेहरा का दृष्टा बनते हैं दर्पण के सामने, अपने कर्मों का दृष्टा बनते हैं हम, मन का दृष्टा बनते हैं कर्मों करते हुए, और बुद्धि का दृष्टा बनते हैं गुरु के सामने हाथ जोड़कर, गुरु के वाक्य सुनकर, और आत्मा का दृष्टा बनते हैं हम ध्यान में। और ध्यान कैसे संभव है? सांस को अपनावे ध्यानी बन जावे। हम स्वयं बृहत आत्मा है तो किसकी पूजा कर रहे हैं? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मा दृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। किसी का हिंसा नहीं करना, हिंसा अधर्म है, अहिंसा सुधर्म। पल कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद, आनंद ले रे ज्ञानी बन जावे, बन जावे, बन जावे, बन जावे। सांस को बनावे तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्म कमल खिल जावे ज्ञानी बन जावे, ब्रह्म कमल खिल जावे ज्ञानी बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। पूरा भगवत गीता का निचोड़ क्या है? अरे बाबा आपका शरीर एक रथ है, आपको रथिक है, मामला बिल्कुल साफ है, इसमें समझने के लिए इतना आप परेशान क्यों हो रहे? भगवत गीता के बावजूद भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आश्चर्य की बात है। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पावे। ये जो हाथ है मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ये हाथ अपने आप जा रही है, मैं चला रहा हूं इसको, कौन चला रहा है इसको, कौन?
अरे बाबा ये गाड़ी है नहीं, ड्राइवर हूं, इसको ऐसा कर तो ऐसा जाएगा, ऐसा कर तो ऐसा जाएगा, ये अपने आप नहीं जाएगी। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती ये मुर्दा पड़ेगा, ये अपना इसमें क्या पुष्टि है? इसमें आत्मा ही पुष्टि। और आप आत्मा, और क्या चाहिए आपको? और आत्मा ही हर जगह है, सर्वात्मा। हम सब एक ही है, यहां अलग अलग है, यहां 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 फिलहाल एक ही है, परंतु एक ही चीज है यहां। समझ में आप? दिन के 24 घंटे क्या करते हैं? अक्सर बेकार के बात है, पति पत्नी के बीच में बेकार के बात है, दिन भर रात भर काम के बातें करेंगे तो चुप। काम की बात है, एक मोती निकालना है, फिर पैसे हम कैसे करें, कैसे खर्च करते हैं? ऐसे रोड के पर फेंकते जाते हैं क्या? अभी क्या तो क्या करेंगे? क्या कहते हैं उसको? पागल आदमी, पैसे रोड के पर फेंकना तो अपनी वाणी खर्च कैसे करते हैं? 90% बेकार के पास, और मार्च मास का है, साधु बने यानी शाकाहारी बने, फिर वाणी को सुधारे मुनि बने, मौन का पालन करे, फिर योगी बने, फिर ज्ञानी बने, फिर ऋषि बने। ज्ञानी बने दूसरों का सुने तो ज्ञानी बने, अपने ही कहे तो ज्ञानी नहीं बने क्या? हर एक से सीखना चाहिए, महावीर से सीखना, बुद्ध से सीखना, लिंडा गुडमे से सीखना, गुरु नानक से सीखना, ब्लावेस्की से, सबसे सीखना, आजू वाला बाजू वाला सबसे सीखना, तो भी आप ज्ञानी बन गए। कहिए साधु, ज्ञानी, योगी, ज्ञानी, ऋषि। आत्मज्ञान से ही ऋषि करते हो, प्रापंचिक ज्ञान भी चाहिए, आत्मज्ञान भी चाहिए। हाँ तो कब बनेंगे ऋषि? ऋषि यानी संत, ये साधु है, ये संत है, कब बनेंगे? आप मांच मांच कर रहे हो, साधु भी नहीं, बेकार इंसान है आप, इंसान भी नहीं, दरिंदर चीज है आप, इंसान भी नहीं। तो पहला साधु बने, शाकाहारी बने, दो लोग हंस रहे, वो चाहे चिकन चिकन मटर खा रहे, इसीलिए उनको हंसी आ रही, समझे? ये जो बातें है ना, जो चिकन मटन खाते हैं उसको हंसी आ रही, पागल है क्या ये दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाला पागल नहीं है, भगवत गीता पागल नहीं है, बुद्ध पागल नहीं है, जमाना पागल है। तो शरीर मन, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा, तन मन के ऊपर निर्भर, देखो कौन सा उंगली पड़ा है, मन से बुद्धि ज्यादा, कौन सा उंगली ज्यादा है? और बुद्धि आत्मा की तरफ खींच के जाना है, जो चीज आत्मा की तरफ खींच के ले जाती उसी का नाम है बुद्धि। और आत्मा सर्वात्मा की एक अंश हमशा का, इन तीनों को छोड़े और इन दोनों को मिला, यही है ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, समझे? तन को भी छोड़े, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मेरा 20 साल है या 21 साल नहीं, मन मैं हिंदू हूं या क्रिश्चियन हूं मुस्लिम, ये सब मन के, ये भी छोड़े। बुद्धि, मैं पंडित हूं या पामर हूं, मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न हूं, टोपड़ी का लाभ है क्या छोड़े? आत्मा है, और आत्मा और आप ही सर्वात्मा है एक तरफ, आप ही आत्मा है, बूंद आत्मा है, बिंदु आत्मा एक तरफ, और समुद्र आत्मा एक ही तरफ, तो आप ही सब कुछ है। तो इतना कहते हुए, सांस के साथ होते हुए ही हम ध्यान में आएंगे, थोड़ा बहुत ध्यान में बैठेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हाथ दोनों पैर क्रॉस करिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं बांसुरी बजाऊंगा और आप ध्यान में बैठेंगे, सांसों के साथ एक हो जाएंगे, न राम का नाम न कृष्ण जी का। द नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, सांस को न तोड़े न फोड़े न मरोड़े, जैसा है सांस उसी को नमन करते हुए सांसों के साथ एक हो जाए, भूल जाइए सब कुछ तन के बारे में, माता पिता, मैं किसका पत्नी हूं, किसका पति हूं, किसका माँ हूं, किसका बेटा हूं, सब भूल जाइए। और मन, मैं हिंदू हूं, क्रिश्चियन हूं, मुस्लिम हूं, तो सब भूल जाइए। और बुद्धि, मैं पंडित हूँ, पामर हूँ, मैं PhD हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल हूँ, सब भूल जाइए। आप कुछ भी नहीं है, आप केवल आत्मा।
और आप आत्मद्रष्टा बनना चाहते हैं, आत्मा होते हुए आप आत्मद्रष्टा नहीं बने। नाम सुने आत्मा है परंतु उसका अनुभूति नहीं, तो चलिए सांसों के आधार से आप अनुभूति पाएंगे। मैं आपके लिए बांसुरी तो बजाऊंगा परंतु आप बांसुरी के ऊपर ध्यान ना दें, सांसों के ऊपर ही ध्यान दें। बांसुरी एक इसे कैटलिस्ट का सॉन्ग अनुभव को पाइए, सांसों के साथ आप तुरंत ही अनुभव पाते हैं। पवन पुत्र बन जाइए, बजरंग बली बन जाएंगे, योगेश्वर बन जाएंगे, नहीं तो बंदर के बंदर रह जाएंगे। ध्यान के पूर्व मन तो बंदर है, ध्यान के पश्चात मन सुंदर बुद्धि बन जाएगी, सुंदराकांड का एक आविष्कार हो जाएगा, किष्किंधा कांड की समाप्त और सुंदराकांड की एक आविष्कार, यही है श्री रामायण जी का निचोड़। अरे बाबा, माता पिता का पुत्र छोड़िए, सांस के पुत्र बनना शुरू करें। हनुमान चालीसा कहते हैं, इसे 40 दिन इसे कायम रखिए और 40 दिन के बाद तो आप बजरंग बली बन जाएंगे। अपने आप को महसूस करिए कि मैं एक योगेश्वर, योग यानी मिलन है और मन चैतन्य तो पुरुष है और प्रकृति और पुरुष का मिलन हो जाए तो पुरुष पुरुषोत्तम बन जाएगा। बुढ़ापे में क्या ज्ञान शुरुआत करेंगे जो बचपन में नहीं हासिल हुए, जो कुछ भी करनी है अभी करना, जब तन बिल्कुल ठीक है, शक्तिशाली है। ध्यान को मत ठाल लिया कल के लिए, क्या अपने भोजन को ठाल रहे हैं, नींद को, निद्रा को, ध्यान को क्यों ठाल रहे हैं, स्वाध्याय को क्यों ठाल रहे हैं, कल के लिए क्यों छोड़ दिए। दिन के 24 घंटे कितना भी आप ध्यान को अपना सकते हैं, और भूल जाइए तन मन बुद्धि, बाजू रखिए इन तीनों चीजों को और अपने आप को पाने के लिए सांसों के आधार लीजिए। सांस न तन है, न मन है, न बुद्धि, सांस तो प्रकृति है, सांस तन के अंग नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे भला, और जिसके प्रति श्रद्धा भक्ति है हम उनको प्राप्त कर कर ही छोड़ेंगे, उसमें आश्चर्य की बात तो है ही। तो ध्यान के प्रति श्रद्धा चाहिए, ध्यान के प्रति भक्ति चाहिए, हमें ध्यान योगी बनना है, ध्यान योगेश्वर बनना है। ये कोई व्यक्ति के ऊपर निर्भर है नहीं, ये अपना एक शास्त्र के प्रतिपत्ति, एक अभ्यास के प्रतिपत्ति, एक पाने के उसके प्रति श्रद्धा भक्ति चाहिए। हम कुछ बनना चाहिए, हमें कुछ पाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, हमारे अंदर एक बदलाव चाहिए। और उतरे तो आत्मात्मा, कोई दूसरा आदमी आपका उद्धार नहीं कर सकता है। सर के ऊपर हाथ रखे और कुंडा जी का प्रज्वलन करे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव की बात है। तानसेन आपके हाथ माथे के ऊपर हाथ रखे, आप तानसेन नहीं बने। तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि का विकास एवं आत्मा का अनुभव, जो कुछ है सब सांस से ही उपलब्ध है। वो सांस तो आपके पास है, जन्म से ही है, पर तो आपको सांस के साथ रहना है। सांस आपके पास है, सांस आपका सहारा नहीं छोड़ेगा, परंतु आप न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। तो श्रद्धा को जागृत करिए, अभ्यास को जारी रखिए, सांसों के साथ एक हो जाने का एक परम अभ्यास। घर जाकर, घर छोड़कर नहीं जाना, हिमालय नहीं भागना, न संसार छोड़नी, पति पत्नी को न छोड़े, बेकार बातों को छोड़े, बस पति पत्नी के बीच में बेकार बातें बिल्कुल ना हो, किसी के बीच में बेकार बातें ना हो, खास कर सही बातें हो, फिर बाकी समय ध्यान में सांसों के साथ। अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अष्ट सिद्धि पाने के लिए, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व अवशित्व, कब पाएंगे इन सिद्धियों को, अगले जन्म में पाएंगे, कब बनेंगे सिद्ध पुरुष, कब बनेंगे बुद्ध पुरुष। सांसों के आधार से आज से शुरुआत करें। ध्यान बिल्कुल सरल, न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र, न ही कोई यंत्र, सांसों के साथ, और सांसों के साथ ही कोई हरकत ना करे,
जैसे पुलक रेचक कुंभक इत्यादि चेष्टाएं ना करें, जबरदस्ती खींचे, जबरदस्ती रोके, जबरदस्ती फेंके, ऐसे जैसे कदापि न करें, जैसा है वैसा सांस उसे प्रणाम करते हुए उसी में लीन हो जाए। और लीन होने के लिए काफी समय चाहिए, जिसका उम्र कितना है उतना मिनट आपको बैठना है, 40 साल का उम्र हो तो 40 मिनट बैठना है, 30 साल की उम्र हो तो 30 मिनट बैठना है, तभी तो उसी में लीन हो जाएंगे। 5 साल का लड़का हो तो 5 मिनट काफी, 60 साल का है तो 60 मिनट तो चाहिए सांस के साथ एक होने के लिए। तो समय की जरूरत है और श्रद्धा की, तो सब कुछ आप पाएंगे। लाखों लोग ऋषि बन चुके हैं तो हम क्यों नहीं बने, उनके पास श्रद्धा थी और समय काफी साधना की। अरे 2 रोटी कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको, कितनी रोटी खाएंगे, कितना पैसे कमाएंगे, काहे के लिए 2 रोटी कमाइए, 2 रोटी खाइए, फिर बाकी समय ध्यान में बैठ जाइए, इधर उधर की बातें क्यों, क्या लाभ होगा। जब आप शरीर छोड़कर जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे ऊपर, लोग पूछेंगे आप क्या किए हैं धरती, तो क्या बोलेंगे आप, खाली या परसों तो जाने है निश्चित रूप से। तो आज से आप अपने आप को पकड़ लीजिए, रोते हुए आते सब जो हंसते हुए जाते हुए मुकद्दर का सिकंदर, रोते हुए आए हैं फिर रोते हुए नहीं जाना, हंसते जाना। जब तक संत नहीं बनेंगे आप कैसे हंसते जा सकते, आपको संत बनना ही है। लगभग हम 20 मिनट शायद हम बैठे हैं, तो कितने लोगों को अच्छा लगा बड़ा हाथ ऊपर बताइए, मैं भी देखूं। तो अगर अच्छा लगता है तो इसे हर रोज अपनाइए, अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा लगता है तो दिन में 2 बार सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि, किसी भी समय उचित समय है ध्यान के लिए। और नीचे भी बैठे या कुर्सी में बैठे या सोफे में बैठे, आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसे ही आप बैठे आप, और जितना आपका उम्र हो उतने मिनट बैठना चाहिए। 40 साल का उम्र हो तो 40 मिनट, 50 साल का उम्र हो तो 50 मिनट, और बीच में आंखें न खोलें आप, समझो पैर भारी पड़ जाते हैं या कुछ उलझन होती है तो बिना आंखें खोले आप अपने पैर को थोड़ा झटका दे सकते हैं, फिर बाद में आंखें ना खोले और हाथ भी ना निकाले, समझ में, बिना आंखें खोले थोड़ा पैर को इधर उधर करें ना? तो फिर आंखें ना खोले। जब आप अभी 30 मिनट में ध्यान में बैठे हैं, मैं आपको बताऊं आपके अंदर क्या हुआ है। अक्सर 7 तरह की अनुभूतियां आप पाते हैं, मैं एक एक कर आपके पास रखूं, अगर आपको भी ऐसे ही हुआ तो हाथ ऊपर कर मुझे बताएं। पहला अनुभव है शरीर में हल्कापन, इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं। कितने लोगों को हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, वेरी गुड, ताजा बजाइए अपने आप के लिए, क्योंकि दूसरे लोग आपके लिए ताजा नहीं बजाएंगे, पैसे है तो बजाएंगे, योगी है तो कोई भी नहीं बजेगा, अपने अपने आप को बजा देगा, क्योंकि कौन योगी है कोई भी नहीं जानता बाहर से। तो हम अपने आप के लिए ताजा बजा, अपने आप के लिए जोरदार ताजा बजाइए आप। और दूसरा अनुभव है यहाँ शीर्ष भाग में सर में, हम इतना भारीपन महसूस करेंगे पत्थर के मामले। कितने लोगों को हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ताजा बजाइए। और तीसरा अनुभव है यहाँ भ्रुकुटी मज्जास्थान अथवा नासिका अग्रस्थान, ये दोनों भी है, नासिका अग्रस्थान ये उन्मुखी, ये तो आखिरी स्थान है, ये तो पहला स्थान है, नासिका अग्रस्थान अथवा भ्रुकुटी मज्जास्थान, यहाँ आप तरह तरह के रंग देखते हैं। या किसने कुछ देखा, कौन सी रंग देखे आप, लाल, हरा, वायलेट, हाँ तरह तरह के रेनबो कलर्स, बिग ब्योर कलर्स, ओके तालियां बजाइए फिर अपने आप के लिए। और चौथा अनुभव है यहाँ पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, किसको हुआ है, ये क्या हुआ मैडम, हाँ तो आंखें खोले क्या, नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना और डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा इतना पीड़ा महसूस करेंगे आप बोलेंगे ये दाढ़ी वाला कहाँ से आ गया, इसको लात मारकर भेज देंगे, फिर दोबारा नहीं आना महाराष्ट्र में, ऐसा क्या कि बंदर, तो दोबारा मैं तो नहीं मांगा, तो आप ध्यान तो जारी रखिए।
और चौदह अनुभव, पांचवा अनुभव है थोड़ा बहुत अजीब सा। आप सब बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, कोई भी शरीर के स्तर पर मात्र इंच भी नहीं हिल रहे, सब ऐसे स्थानों के जैसे बैठे, जैसे मंदिर के मूर्ति, परंतु अंदर से आप ऐसा, कितने लोगों को हुआ है? अंदर से नाच हो रहा है, भरतनाट्यम हो रहा है, मोहिनीअट्टम हो रहा है, कथक हो रहा है, कथक कली युग हो रहा है, नहीं जाने क्या क्या होता है, वो माइकल जैक्सन हो रहा है। किसी ने धक्का दे के, हाँ देखिए बाहर से तो आप ऐसे बैठे सुनसान, पर अंदर लोग, अंदर तो एक एक नाच हो रहा है। तो ये पांचवा अनुभव है। और छठा अनुभव है, हम यहाँ नहीं है जमीन के ऊपर, परंतु हम कहीं और ऊंच गगन में पंछी के जैसे उड़ रहे हैं। किसी को हुआ क्या ऐसा अनुभव? एक स्वामी जी क्या हुआ? Very light body. Yeah. I'm not touching the ground. Yes. Somewhat like that. जैसा देखिए मेरे पास, हाउ मेनी मसल साहब है डॉक्टर साहब, ये मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा है, परंतु अगर मैं वेट लिफ्टिंग करूं वो 20-25 मुझे दिखाई दे, यानी अंदर से उभर कर आ रही है, समझे? रोजाना मुझे ये वेट लिफ्टिंग करना है, तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने कही है 20-25 मुझे तो यहाँ से एक ही नजर आ रहा है, परंतु 20-25 तो है, तो वो सब ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे आप WWF में देखते हैं ऐसा, तो ऐसा हिमालय के पर्वत के जैसे, अरे अभ्यास करें तो निकल आए बिल्कुल उसी तरह, अपने पास एक दृष्टि आएंगे, परंतु ध्यान का अभ्यास है ही नहीं, तो अंदर का अंदर ही है बात। तो तीसरी अंक पाते हैं, ये सातवां अनुभव है, और तरह तरह के दर्शन पाते हैं, जैसे नदियों का या पर्वतों का, पहाड़ों का सुंदर झरने, तो किसी को कुछ दिखाए क्या, और किसी को कुछ दर्शन हुए क्या? हम चाहते हैं कोई भी डॉक्टर के पास न जाए और दवा न खाए, क्योंकि तन की बीमारियां सरदर्द आपके कारण आया है, आपके कारण ही जाएगा, बीपी आपके ही कारण आया है, आपके ही कारण जाएगा, कैंसर आपके ही कारण आई, आपके ही कारण जाएगा, उद्धरे आत्मात्मा का यही अर्थ है, आपका समस्या आपके ही द्वारा आप पाए हैं, आपके ही द्वारा उसका हल होती है, दूसरा कोई आप नहीं लगता। अगर डॉक्टर साहब कुछ दवा भी देंगे, कैसा दवा मालूम? जैसा एक कुत्ते की दुम को पकड़ कर रखें और एक घंटे के बाद छोड़ दिए तो फिर वैसे, समझे? यहाँ दवा दिए वो इधर निकल गया, दवा वो इधर आ गया, तो यहाँ दवा दे जैसे इधर गया, यहाँ दवा इधर अंत में चले गए, नहीं। ऐसा जमाना आ रहा है 2012 साल में, हम ये सब नहीं बोलेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे, ऐसा दिन आ रहे हैं। यू नो व्हाट इज MBBS? MBBS मीन्स, इट डज नॉट मीन Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. No. MBBS means Bachelor of Meditation and Bachelor of Spirituality. That is MBBS. Meditation यानी ध्यान, और spiritual यानी समझ लीजिए कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा। पढ़ाई करिए, भगवत गीता पढ़िए ना, ढेर सारे, मैं 50,000 से ज्यादा बुक्स में पढ़ा स्पिरिचुअल साइंस में, समझे? पिछले 30 साल से मैं घर घर जाऊं, गांव गांव जाऊं, शहर शहर जाऊं, देश विदेश जाऊं, सबको बिठाऊं, बैठ, लोग मेरे पास आएंगे, मेरी बीवी मुझे मार रही है, तो नहीं मारना, तो आप ध्यान में बैठोगे नहीं मारेगी, ध्यान में कौन मारेगा? ध्यान नहीं करेंगे तो बीवी आपको मारना ही है। सरदर बैठो ध्यान में, कैंसर है बैठो ध्यान में, जो कुछ भी मुझे पैसे चाहिए ध्यान में बैठो, सब मिलेगा। मुझे आदत छोड़नी सिगरेट की, ध्यान में बैठो ना छूट जाएगी। मुझे मेरे गुजरे हुए माँ को मिलना है, ध्यान में बैठो, माँ मर गई तो उसे मिलना क्या है? अपने पास पीसी बैंक है तो आप उसे सचेत करो, उसके आगे बढ़ाओ। जैसा अब माइकल जैक्सन या माइक टाइसन बनते हैं शरीर की व्यायाम से, ध्यान के व्यायाम से, पतंजलि बनते,
व्यायाम तो करो, अभ्यास तो करो। अरे हम भीमसेन जोशी नहीं, क्यों नहीं बनेंगे हम? अरे संगीत का जितना उन्होंने किया हमें भी उतना, तो हम भी बनेंगे। क्षमता किसके पास नहीं है? हम वीरप्पन भी बन सकते हैं, महात्मा गांधी भी बन सकते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर है, अपने जीवन के कर्ता हम हैं। मैं पाऊ यहां तक ही आ रहा हूं, किसके ऊपर निर्भर है? मैं इस वक्त इस गांव में हूं या हैदराबाद में हूं, किसके ऊपर निर्भर है? मेरे ऊपर निर्भर है। आप क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या करना? कल सुबह इडली खाएंगे या वड़ा खाएंगे, क्या खाएंगे आप? किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर। या उपवास रखेंगे? अरे आपका कल या आपका परसों आपका दिमाग के निर्णय, व्हाटएवर यू वांट बिकम यू बिकम दैट। तमन्ना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए, फिर रियाज करना। ना तमन्ना है ना तरीका है, दोनों भी है तो रियाज ही नहीं है तो क्या होगा? अरे तमन्ना रखिए, मैं भी संत ज्ञानेश्वर बनूंगा। सी यू मस्ट वोकलाइज वर्बलाइज योर इंटेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Am I right, sir? See, जानवर और इंसान को फर्क एक है, we can verbalize and therefore strengthen our intents. That is the basic difference. So, you must always verbalize. Positive affirmations. बोलो, मैं भी, मैं भी, संत, संत, बनो का, बनो का, अगले जन्म। क्यों स्वामी जी? अगले जन्म। नहीं, बाबा, इसी जन्म। तो थैंक यू वेरी मच, जोरदार से तालियां बजाइए ध्यान के लिए।